हेलो, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया एक और वीडियो है, जो कि है फाइंड अ मैट्रिक्स और वेक्टर नॉर्म यूजिंग नंबर। ओके, सो टू फाइंड अ मैट्रिक्स और वेक्टर नॉर्म वी यूज फंक्शन नम पाई। बेसिकली हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, नम पाई लिन एल डॉट नॉर्म। एक तो ये हो गया, दूसरा स्काई पाई से भी हम नॉर्म को इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि ये तो देखो नम पाई के अंदर है, स्काई पाई के अंदर भी होता है बेसिकली ये, ठीक है। नॉर्म दो जगह पर है, तो ये लीनियर अलजेब्रा के अंदर में आता है, नम पाई लीनियर अलजेब्रा बाद में नॉर्म आता है। तो जब हम नम पाई के थ्रू जाते हैं तो लीनियर अलजेब्रा के थ्रू हमें नॉर्म मिलेगा, ठीक है। सो दिस फंक्शन रिटर्न्स वन ऑफ द सेवन मैट्रिक्स नॉर्म्स और वन ऑफ द इन्फाइनाइट वेक्टर नॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर। ये बेसिकली सेवन मैट्रिक्स नॉर्म्स या फिर बाद में इन्फाइनाइट वेक्टर नॉर्म्स रिटर्न करता है, किसके इसके पैरामीटर के आधार पे। तो इसके अंदर पैरामीटर्स है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, अगर हम इस नॉर्म के अंदर पैरामीटर्स देखें तो हमें पहला पैरामीटर एक्स, फिर बाद में एक होता है इसका ऑर्डर ऑड, जिसको हम बाय डिफॉल्ट जो कि नन होता है, एक एक्सेस है जो बाय डिफॉल्ट नन है, ठीक है। सो एक्स मतलब तो इनपुट हो गया, एक्स मतलब तो बता देता हूँ इनपुट है। ऑर्डर मतलब ऑड मतलब ऑर्डर ऑफ नॉर्म, ऑर्डर ऑफ नॉर्म, ठीक है। और एक्सेस मतलब अगर वो नन है तो रिटर्न आइदर अ वेक्टर और अ मैट्रिक्स नॉर्म, एंड इफ इट इज एन इंटीजर वैल्यू, अगर एक्सिस की कोई इंटीजर वैल्यू है, अगर ये नन है तब तो ये या तो वेक्टर रिटर्न करेगा या फिर कोई मैट्रिक्स नॉर्म रिटर्न करेगा। अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो इट स्पेसिफिक इट स्पेसिफाइज द एक्सिस ऑफ एक्स अलोंग विच द वेक्टर नॉर्म विल बी कंप्यूटेड। तो अगर उसकी कोई वैल्यू है स्पेसिफिक है तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर नॉर्म कंप्यूट करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग। सो ये अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, यही इसी में ले लेते हैं अपन इसको। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सॉरी अपन है मेरे पास में। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इंपोर्ट किया मैंने नम पाई को यहाँ पर, और फिर बाद में नम पाई डॉट अरेंज कर लिया मैंने वेक्टर को, एक वेक्टर को अरेंज कर लिया मैंने इसके अंदर, नम पाई डॉट अरेंज 10। एंड देखिए इसको मैं अरेंज, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसको प्रिंट कर देता हूँ साथ में, प्रिंट बैक ऑल्सो, ठीक है। इस वेक्टर को प्रिंट करवा दिया मैंने, और फिर बाद में मैंने कंप्यूट किया नॉर्म ऑफ द वेक्टर। तो नॉर्म ऑफ द वेक्टर मैंने कैसे कंप्यूट किया, मैंने एन पी दिया डॉट लैंग लीनियर अलजेब्रा के अंदर नॉर्म करके मैंने एक सीधा सीधा वेक्टर दे दिया यहाँ पर, जो एक्स है जो कि इनपुट है, ठीक है। और अगर मैं एक्सेस दे दूंगा तो उसके अलोंग बता देगा कि भाई साहब इसके अलोंग किसको कंप्यूट करना है, ठीक है, किस वेक्टर को एक्सेस एक्स एक्सेस के अलोंग किस वेक्टर को कंप्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लीनियर अलजेब्रा में नॉर्म ऑफ द वेक्टर निकालने के लिए इस नॉर्म ऑफ द वेक्टर मैंने इसमें डाल दिया, और अब मैंने प्रिंट करवाऊंगा, जब मैं रन करवाऊंगा तो आप ये देख सकते हो ये हमारी इनपुट थी, और इसके आधार पे जो वेक्टर नॉर्म था वो 16.88194 था, जो कुछ ऐसी वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं इसको इसका अरेंजमेंट कर देता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है, 20 कर देता हूँ, और फिर से रन करवाता हूँ इसको। तो इस बार देखिए जो इसकी वैल्यू है 0 से 19 तक, और इसका वेक्टर नॉर्म आ गया 59। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ, इसका जो ऑर्डर है वो तो ऑर्डर ऑफ वो तो मैं ही वही रखता हूँ, लेकिन एक्सिस को कर देता हूँ इसकी वो कर देता हूँ 1, ठीक है, एक्सिस को 1 कर दिया। अब रन करवा के देखते, एक सेकेंड, एक्सिस पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर वैल्यू मैं 3 या 4 डालने की कोशिश करता हूँ, शुड बी शुड कम ना 4 माइट वर्क फॉर 4। ये नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है,
लेकिन इसका एक्सिस जब हम एक्सिस के अंदर तो होना चाहिए था, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं है। तो x4 इज आउट ऑफ बाउंड्स फॉर अरेज ऑफ डायमेंशन 1। ये आउट ऑफ बाउंड है, इसको मैं 0.5 करके 0.5 करके देखूँ। हाँ सर, 0.5 है तब तो 49.6 आ जा रहा है। 1 के बाहर नहीं होना चाहिए था ये, जब डायमेंशन इसकी 1 है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। सो दिस इज इट। अबोव कोड कंप्यूट्स द वेक्टर नॉर्म ऑफ अ वेक्टर ऑफ डायमेंशन 1 और 10, ठीक है, 1 to 10 की डायमेंशन है। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपके लिए ले लूँ, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक अरे का। अरे का जो एग्जांपल है वो है हमारे पास में np.array। सो एक अरे 2 डायमेंशनल अरे ले ली, और यहाँ पर मैं इसको एक मैट्रिक्स है ये तो बेसिकली, ठीक है, तो एक सिंपली एक मैट्रिक्स है। और जब इस मैट्रिक्स का नॉर्म निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। नॉर्म एक सीधा फंक्शन है, उसको यूज़ करके हम नॉर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, एक्सेस की, एक्सेस यहाँ 2 डाल सकता हूँ, क्यों नहीं, यहाँ 2 नहीं, शायद 1 डालूँ तो। हाँ सो कहने का मतलब ये है कि ये 2 से कम होना चाहिए, जो भी इसकी डायमेंशन है उससे कम होना चाहिए। चाहे इसकी डायमेंशन 2 है तो इसकी इसकी वजह से ये उससे कम होना चाहिए। ओके, आई गॉट दिस पॉइंट, आई होप यू ऑल्सो गॉट दिस पॉइंट। तो आप x1 कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम इसका एक और एग्जांपल यहाँ लें कि हम इंपोर्ट करें numpy को और फिर अरेंज करें 9 को, तो एक वेक्टर बना देगी सीधा सीधा ये, और फिर हम इसको रीशेप करें इस वेक्टर को 3x3 के अंदर, तो रीशेप करेंगे तो एक मैट्रिक्स दे देगा हमें। फिर जब हम उसका वेक्टर, इसका जो नॉर्म निकालेंगे इस वेक्टर का, क्योंकि कंप्लीट मैट्रिक्स का जब नॉर्म निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर बाद में इस वेक्टर का भी नॉर्म निकाल सकते हैं, सिंगल वेक्टर का भी और इस कंप्लीट मैट्रिक्स का भी नॉर्म एक साथ निकालते हैं, दोनों एक साथ निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, जब वेक्टर नॉर्म है वो भी 14.28 है और मैट्रिक्स नॉर्म भी 14.28 है। क्यों? क्योंकि इसी के ही हम 3x3 निकाल रहे थे ना, मतलब इसी इसी को ही हम 3x3 में कन्वर्ट कर दे रहे थे। ये एक पूरा वेक्टर था 0 से लेकर 8 तक का, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये 0 से लेकर 8 तक का एक कंप्लीट वेक्टर था। इसको देखिए, ये कंप्लीटली एक वेक्टर था, और रीशेप किया मैंने तब ये क्या हो गया, ये जो 0 1 2 3 पहली रो, फिर बाद में 2 3 4 5 दूसरी रो में, फिर बाद में 6 7 8 तीसरी रो, इस तरीके से ये मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको मैं रन करवा के दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारी ये, और ये होगी तुम्हारी मैट्रिक्स जिसको हमने रीशेप किया है, ठीक है। सो इन दोनों का जो नॉर्म है वो एक जैसा ही आएगा, ठीक है, इट डजेंट मैटर। वो आई होप आप समझ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट सो डू कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।